2014 में भारत सरकार के द्वारा जो हमारे स्वाधीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री और एक बहुत ही कुशल प्रशासक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका भारत के सुरक्षा संरक्षा और एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है, उनके इस योगदान को चिन्हित करने के लिए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनके बर्थ एनिवर्सरी को 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में 186 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो अरुणाचल में तैनात है, इसके जो अलग अलग समवाय हैं उनमें 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 29 अक्टूबर को साइकिल रैली का आयोजन किया गया और आज हम लोग बदुमसा में हैं, जहां पे स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सब के योगदान से आज यहां पे बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस देश को जो स्वाधीन भारत होने के बाद जो उन्होंने जो संगठित करने के लिए जो अपना योगदान दिया, जो प्रयास किया, उसको और हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करें। जैसा कि यह माना जाता है कि किसी भी देश के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास के लिए देश का संगठित होना और सुरक्षित होना, सुरक्षित बाहर से भी, बाह्य से भी और आंतरिक, तो इसके लिए जो उन्होंने प्रयास किया और उसको हम लोग आगे जारी रखेंगे। और हम अपने भारतवासियों से, जो कि सारे भारतवासी अपने देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता को मजबूत और अखंड बनाए रखने के लिए, अक्षुण बनाए रखने के लिए जो कृत संकल्प हैं, उनको और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु हम लोग ये ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको आह्वान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक वर्ष इसी भांति हमारा जो है कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपने राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपना योगदान देंगे। थैंक यू। जो आज एकता दिवस का जो रैली CRPF वालों ने जो स्पॉन्सर किया, उसके लिए मैं उनके अथॉरिटी कंसर्न्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस पवित्र दिन में, एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती पर, जो वो हमारे सारे भारतवर्ष को जो एक यूनिटी में, हर स्टेट को एक भारत, एक यूनियन ऑफ स्टेट में लाने के लिए जो उसने कुर्बानी दिया, जिसके चलते आज हम इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट के हिसाब से जो आज है, तो उसके उसमें बहुत बड़ा पटेल जी का योगदान रहा। और उस शख्स को उसके आज जो मोटरसाइकिल रैली करके उसको जो सम्मान दिया, वो बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है, बात है। उसके लिए हम भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको तरफ से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और देते हुए आज के दिवस को जनता के सामने भी ले जाना चाहता हूँ कि जनता भी समझे इस बात को कि ऐसे जो महान व्यक्ति रहा, जो इंडिया के होम मिनिस्टर उस इनिशियल स्टेज में होके सारा इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट को एक देश के रूप में पिरोया, उस व्यक्ति का सम्मान जो किया वो बहुत बड़ा बात है। और आगे भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा स्कूल बच्चों को भी इन्वॉल्व कराएंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टेस्ट थैंक्स टू द CRPF कमांडिंग अथॉरिटीज एट ऑफ नमसाई एज वेल एज द कमांडिंग ऑफिसर हियर एट बुरदुमसा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट इन ए वेरी ब्यूटिफुल वे। थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings.
So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.